नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन इंडिया वन टिकट क्या है। रेलवे ने खत्म कर दिया टिकट बुकिंग का झंझट, एक साथ बुक कर सकेंगे ट्रेन की टिकट के साथ मेट्रो का टोकन। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत नॉलेजेबल होने वाला है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वन इंडिया वन टिकट क्या है? भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेल लाइन के रूप में पहचानी जाती है। भारत में रोजाना करोड़ों लोग सफर करते हैं, जिनके लिए रेलवे की ओर से कई तरह की नई सुविधाएं समय समय पर शुरू की जाती है। इसी कड़ी में रेलवे एक और सुविधा लॉन्च की है। इस सुविधा से रेलवे और मेट्रो दोनों में सफर करने वालों की मौज होने वाली है। रेलवे ने इस खास सुविधा को वन इंडिया वन टिकट नाम दिया है। वन इंडिया वन टिकट क्या है? मिली जानकारी के अनुसार रेलवे की मुख्य लाइन और वहां से जुड़ी मेट्रो से यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा देने के लिए यह सुविधा दिल्ली एनसीआर इलाके में शुरू की गई है। वन इंडिया वन टिकट के तहत यात्री जैसे आईआरसीटीसी से ट्रेन की टिकट बुक करते हैं, अब रेलवे स्टेशन से घर तक पहुंचने के लिए दिल्ली मेट्रो की टिकट भी उसी दौरान आईआरसीटी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से बुक कर पाएंगे। और खास बात है कि दिल्ली मेट्रो क्यूआर कोड वाला यह टोकन बुक होने के साथ ही यात्री की ऑनलाइन ट्रेन की टिकट पर दिखाई भी देगा, ताकि उस पर दर्ज मेट्रो ट्रेन के क्यूआर कोड से दिल्ली मेट्रो में सफर किया जा सके। इस तरह ट्रेन से उतरने के बाद यात्री को मेट्रो में टिकट लेने के लिए अलग से लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि उसी बुक्ड टिकट से आसान सफर हो सकेगा। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि मेट्रो की ये क्यूआर कोड बेस्ड टिकट्स 120 दिन पहले यानी करीब 4 महीने पहले तक आईआरसीटीसी की वेबसाइट से बुक की जा सकेंगी और अगले 4 दिन तक वैलिड रहेंगी, ताकि अगर ट्रेन लेट भी हो रही है तो भी यह टिकट बर्बाद न जाए और यात्री इसका लाभ उठा सके। दिल्ली मेट्रो की यह क्यूआर कोड वाला टोकन यात्री की आईआरसीटीसी की इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप पर भी प्रिंटेड होगा। यह एक यात्री के लिए एक क्यूआर कोड के आधार पर होगा। बता दें कि सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम आईआरसीटीसी और मेट्रो की ओर से यह पहली बार किया जा रहा है। इससे यात्रियों को बड़ा लाभ होगा। इसका बीटा वर्जन लॉन्च कर दिया गया है। इस दौरान आईआरसीटीसी के सीएमडी संजय कुमार जैन, डीएमआरसी के एमडी विकास कुमार ने कहा कि बीटा वर्जन की सफलता के बाद इसका रेगुलर वर्जन भी जल्द ही लॉन्च कर दिया जाएगा। अभी तक दिल्ली मेट्रो में सिंगल जर्नी टिकट यात्रा के दिन ही बुक किया जा सकता है, जो सिर्फ उसी दिन के लिए वैध भी होता है, लेकिन अब इस सुविधा के बाद रेलवे की टिकट के साथ बुक करने पर यह 120 दिन के लिए वैध टिकट की भी सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, टिकट कैंसिलेशन की सुविधा भी फ्लेक्सिबल रहेगी। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।